बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता करे जो कभी ख़त्म ना हो, आमीन सुम्मान। आज आप लोगों के लिए मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने फाख्ता के पिंजरे में असील मुर्गी का अंडा रखा। ये असील मुर्गी का अंडा था जो मैंने तजर्बाती तौर पर रखा था। दो अंडे रखे थे, एक में से आज चूज़ा निकल आया है माशाल्लाह से। ये चूज़ा जो है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी है। ये आप देख सकते हैं बैठा हुआ है पिंजरे में और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, खूबसूरत सा एक्टिव चूज़ा है ये। बहुत ये देखिए ये कैसे चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है ये माशाल्लाह से, और है बहुत खूबसूरत। ये असील मुर्गी के अंडे में से निकला है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस मुर्गी से भी मिलवाऊंगी और जो है ना बाकी जो हमने और मुर्गियां पाली हुई उनके बारे में बताऊंगी और मिलवाऊंगी आपको। ये देखना अभी ये माशाल्लाह छोटा सा है और फिर इससे भी दोबारा मुलाकात करवाऊंगी इंशाल्लाह मैं आपको। ये देखिए ये बैठे हैं, ये दूसरा अंडा भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें से अभी चूज़ा नहीं निकला है। इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन के बाद इसका विजिट दिलवाएंगे हम आपको। देख लें ये बैठता, थोड़ी हैरान परेशान सी हो रही है कि ये जो है ना क्या नज़र आ रहा है हमें, कहाँ से निकल आया है ये। लेकिन ये कि मैंने तो तजर्बाती तौर पे रखा था ये अंडा माशाल्लाह से, कि देखें फाख्ता एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। आज हमें पिंजरे में अंडा रखे हुए, ये 22वां दिन है, सुबह सुबह का वक्त है, ये सुबह 8 बजे का टाइम है। ये माशाल्लाह से अंडे से चूज़ा बाहर आ गया है। पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी पिछले वीडियो में, ये 16वां दिन था अंडा रखे हुए हैं, और आज माशाल्लाह से 22वें दिन सुबह सुबह चूज़ा बाहर आ गया है और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, आप ये देखें। और जो है कितना सुरीला बोलते हैं ये लोग, आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी माशाल्लाह से।